तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अंकुर, स्वागत है आपका मेरे और आपके अपने चैनल कॉमिक बुक गाय पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम ड्रैगन बॉल न्यू एज का नेक्स्ट चैप्टर कवर करने जा रहे हैं। ये स्टोरी है वेजिटा के भाई और लेजेंडरी सुपर सैयन रिगोर के बारे में, और इस अमेजिंग स्टोरी को लिखा है मरी टोरिहाने ने। ये ड्रैगन बॉल के ओरिजिनल फैन मांगा आर्टिस्ट में से एक हैं और एक बहुत ही अमेजिंग आर्टिस्ट हैं, तो इन्हें फॉलो जरूर कीजिएगा। इनसे जुड़े सारे लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आप ड्रैगन बॉल के फैन हैं और अगर आपको ड्रैगन बॉल की फैन मांगा पसंद है, तो आप चैनल के प्लेलिस्ट के टाइम में जाकर अपनी फेवरेट फैन मांगा देख सकते हैं। मैं अपने चैनल पर काफ़ी सारी फैन मांगा कवर कर चुका हूँ, तो बस प्लेलिस्ट के टाइम में जाइए और अपनी फेवरेट फैन मांगा देखिए। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि चैनल पर लगातार ऐसी ही वीडियोज़ आती रहती हैं। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों का शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर न करते हुए अपनी वीडियो पर आते हैं। लास्ट चैप्टर में हमने देखा कि वेजिटा रिगोर को सॉरी बोलता है, पर इससे रिगोर को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। रिगोर बस वेजिटा को मारना चाहता है। रिगोर बोलता है कि वेजिटा, क्या तुम तैयार हो, और वेजिटा लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। वेजिटा की हालत ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ख़राब लग रही होती है। वेजिटा अपने मन में बोलता है कि रिगोर मुझसे बहुत ज़्यादा ताकतवर है और ये सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, और अब मेरे पास रिगोर को हराने का बस एक ही चांस बचा है। इतने में रिगोर बोलता है, वेजिटा तैयार हो जाओ, मैं आ रहा हूँ। रिगोर एकदम से वेजिटा पर अटैक कर देता है और एकदम से वेजिटा के पास पहुँच जाता है और एकदम से उसके चेहरे पर अपनी लात मारता है। ऐसा लग रहा होता है कि रिगोर की स्पीड इतनी ज़्यादा थी कि वेजिटा को पता ही नहीं चला कि रिगोर उसके पास कैसे पहुँच गया। वेजिटा काफ़ी दूर जाके गिरा होता है और रिगोर उसके पास जाता है और एकदम से उसका पैर पकड़ लेता है, और इसके बाद वो एकदम से एक पंच बनाता है और वेजिटा के पेट में एक जोरदार घुसा मारता है। ये पंच बहुत जोरदार होता है और वेजिटा के मुंह से खून निकलने लग जाता है, पर रिगोर ने अभी वेजिटा को मारने की बस शुरुआत ही करी है। रिगोर एकदम से वेजिटा के पैर को घुमाने लग जाता है और एकदम से वेजिटा को हवा में फेंक देता है। रिगोर को देख के पता चल रहा होता है कि वेजिटा को मारने में उसे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। रिगोर एकदम से अपनी फुल स्पीड में जाता है और एकदम से वेजिटा के पास पहुँच जाता है, और जैसे ही वेजिटा रिगोर के पास पहुँचता है, रिगोर अपने दोनों हाथों को मिला लेता है और दोनों हाथों से इतना ज़ोरदार पंच वेजिटा को मारता है कि वेजिटा बहुत ज़ोर से जाके ज़मीन से टकराता है। वेजिटा की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रही होती है, पर इसके बावजूद भी वेजिटा उठने की कोशिश कर रहा होता है। रिगोर अपनी जगह पर ही खड़ा होता है और बोलता है कि ये फाइट काफ़ी ज़्यादा बोरिंग हो रही है और तुम्हें देख के मुझे शर्म आ रही है। इसके बाद रिगोर वेजिटा के पास ज़मीन पर जाता है। वेजिटा के मुँह से खून निकल रहा होता है। रिगोर बोलता है कि वेजिटा, मैं तुम्हारी ताकत से बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हूँ। जब से मैं प्लैनेट यालना से निकला हूँ, तब से मैं किसी वर्दी ओपोनेंट को ढूंढ रहा हूँ, और मुझे लगा था कि तुम मुझे कुछ चैलेंज दे पाओगी, पर शायद मैं गलत था, तुम उस लायक नहीं हो। जब मैं धरती पर आ रहा था, तब मुझे लगा था कि शायद तुम मुझे चैलेंज दे पाओगी, पर अभी तक मैं अपनी ताकत का बस 60% इस्तेमाल कर रहा हूँ, और उतनी ही ताकत तुम्हारी ताकत से डबल है और तुम्हें हराने के लिए काफ़ी है। तुम मेरी पूरी ताकत देखना डिजर्व नहीं करते हो, तो मैं अपने इसी फॉर्म में तुम्हें ख़त्म कर दूंगा। रिगोर वेजिटा से बोलता है कि वेजिटा, क्या हुआ, अब तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो, ये तुम्हारा आखिरी समय है, तुम्हें कुछ ऐसा बोलना चाहिए जो तुम्हारी कब्र पे लिखा जा सके। वेजिटा खांसते हुए बोलता है कि पीछे देखो। रिगोर बोलता है कि क्या। तभी एक बहुत ही बड़ा अटैक रिगोर की कमर पे आके लगता है, पर इस अटैक की वजह से रिगोर को कोई भी फर्क नहीं पड़ा होता। रिगोर मुड़ के देखता है कि ये अटैक उस पर किसने किया है। ये पिकलो होता है और पिकलो बोलता है कि ये अटैक मैंने किया है। रिगोर बोलता है, अरे वाह, तुम्हें देख के तो नहीं लगता कि तुम इस प्लैनेट के हो, तुम्हारी ताकतें काफ़ी ज़्यादा हैं, तुम इस प्लैनेट के नहीं हो सकते हो, तुम ज़रूर उन पावर लेवल्स में से एक होगे जो हमने स्काउटर पे देखे थे। रिगोर पिकलो को बोलता है कि ग्रीन मैन, मुझे बताओ कि तुम यहाँ पे क्यों आए हो, क्या यहाँ तुम वेजिटा की मदद करने आए हो। मैं तुम्हें बता देता हूँ कि ये हमारा फैमिली मैटर है, और अगर तुम फिर भी इंटरफेयर करना चाहते हो तो तुम कर सकते हो, पर मैं तुम पर कोई रहम नहीं करूँगा और तुम्हें मारने में जरा सा भी नहीं झिझकूँगा। लड़ाई शुरू करने से पहले मैं तुम्हें एक बात बता देता हूँ, तुम्हारे लास्ट अटैक से मुझे लगता है कि तुम बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो और तुम वेजिटा से ज़्यादा अच्छा नहीं कर पाओगे। वैसे मुझे बताओ कि इतने कमज़ोर अटैक करने का क्या फ़ायदा था। पिकलो बोलता है कि वो बस एक डिस्ट्रैक्शन था। दोस्तों, वीडियो के बीच में बस मैं आपको एक छोटा सा मैसेज देना चाहता हूँ। हमारा चैनल 50,000 सब्सक्राइबर्स के बहुत ज़्यादा नज़दीक है, और मैंने अपने चैनल के एनालिटिक्स में देखा है कि आप में से काफ़ी सारे लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। अराउंड 50% लोग ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाते हैं, जबकि वो चैनल की वीडियोज़ को पसंद करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। तो मेरा ये छोटा सा मैसेज बस उन लोगों के लिए है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इससे आप मेरी और चैनल की काफ़ी मदद कर पाएंगे 50,000 सब्सक्राइबर्स अचीव करने में। और जिन लोगों ने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा है, उन सभी का मैं थैंक्स कहना चाहूँगा। तो चलिए दोस्तों, वापस वीडियो पर आते हैं। पिकलो के रिगोर को डिस्ट्रैक्ट करते ही एकदम से वहाँ पे गोटन आ जाता है और वो अपनी सुपर सैयन 1 की स्टेज में होता है। वो एकदम से आता है और रिगोर को खिंचा के लात मारता है और रिगोर काफ़ी दूर जाके गिरता है। ये पिकलो और गोटन का प्लान था ताकि वो वेजिटा को बचा सकें, पर रिगोर इनसे काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है। सिपारी बोलती है कि बहुत बढ़िया, ज़्यादातर लोग मेरे हस्बैंड को डिस्ट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं। लगता है जिसने रिगोर को किक मारी वो एक सुपर सैयन है। ये काफ़ी अजीब बात है, पर इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो रिगोर को चोट नहीं पहुंचा सकते हैं। अगर वो ऐसी ही हरकतें करते रहे
तो वो ज़्यादा से ज़्यादा रिको को गुस्सा दिला सकते हैं। पिकलो एकदम से वेजिटा पे चिल्लाता है और बोलता है कि वेजिटा खड़े हो जाओ, हमारे को थोड़ा समय ज़रूर मिल गया है और ज़्यादा समय हमारे पास नहीं है। वेजिटा धीरे धीरे करके खड़ा होता है और बोलता है कि बेवकूफ़, यहाँ पर आकर तुमने अपनी जान खतरे में डाल दी है। रिगोर एकदम से चट्टानों में से निकल कर आता है और गोटन देख के हैरान रह जाता है कि रिगोर को जरा सा भी फर्क नहीं पड़ा है। रिगोर एकदम से गोटन के सामने आके खड़ा हो जाता है। रिगोर बोलता है कि लगता है मुझे तुम्हारी बड़ाई करनी पड़ेगी, तुम्हारे वजह से मेरे कपड़े गंदे हो गए और मेरा आर्मर भी फट गया, और मुझे बताओ कि मेरी आँखें क्या धोखा खा रही हैं। जिसने मुझे मारा वो एक सुपर सैयन है, मुझे नहीं पता था कि वेजिटा, सेपारी और मेरे अलावा कोई सैयन बचा है। काफ़ी अजीब बात है, पर मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, तुमने मेरे और वेजिटा की फ़ाइट में इंटरफेयर करके गलती कर दी है। ये लड़ाई बस मेरे और वेजिटा के बीच में थी और अब मुझे गुस्सा आ रहा है। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं अपने अगले कुछ कदम बहुत ही ध्यान से उठाता, क्योंकि मैं तुम्हारे अगले कुछ पल तुम्हारे आखिरी पल बनाने वाला हूँ। गोटन बोलता है कि वेजिटा, क्या हमें यहाँ से भागना चाहिए जब तक हमारे को और लोग ना मिल जाएं? पिकलो बोलता है कि उसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, हमें आज नहीं तो कल उसका सामना करना ही पड़ेगा, और मैं उससे अभी लड़ना पसंद करूँगा, चाहे हमारे जीतने के चांसेस कम ही क्यों ना हों। वेजिटा बोलता है कि वैसे भी हम इससे बच के नहीं निकल पाएंगे, मुझे लगता है कि ये हमारी एनर्जी को सेंस कर सकता है, और वैसे भी इसकी वाइफ के पास काउंटर है तो हम यहाँ से भाग नहीं पाएंगे, हमें अभी यहीं पर लड़ना होगा। तभी वहाँ पर ट्रंक्स आ जाता है और बोलता है कि क्या आप लोगों को मदद चाहिए। वेजिटा ट्रंक्स को देख के काफ़ी खुश होता है। वेजिटा ट्रंक्स को बोलता है कि ट्रंक्स, इस बार ये खतरा बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। ट्रंक्स बोलता है कि अच्छा, तो हमें उससे लड़ना है। रिगोर बोलता है कि एक और मरने के लिए आ गया। ट्रंक्स बोलता है कि इस शख्स की तो बहुत ही कमाल की है, आखिर ये चाहता क्या है। वेजिटा बोलता है कि इस शख्स का नाम रिगोर है और उधर खड़ी हुई लड़की इसकी वाइफ है और उसका नाम सिपारी है, और जितना मुझे इसने बताया है ये मेरा हाफ ब्रदर है। ये बोल रहा है कि ये असली लेजेंडरी सुपर सैयन है जो सैयन लेजेंड्स में था, और अगर ये बात सच है तो ये हम सबसे बिल्कुल अलग होगा और ये यहाँ पर मुझे मारने के लिए आया है। इतने में रिगोर बोलता है कि मुझे तुम सभी के साथ खेलने में बहुत ही मज़ा आएगा, पर ये लड़ाई मेरे और वेजिटा के बीच में है, मैं तुम सभी को एक मिनट देता हूँ, उसमें तुम सोच लो कि तुम्हें क्या करना है। या तो तुम सभी साइड हट जाओ और मुझे और वेजिटा को ये फाइट सेटल करने दो, या फिर तुम सभी अपने भगवान से प्रार्थना कर लो इससे पहले कि मैं तुम्हें मार दूँ। वेजिटा बोलता है कि ये शख्स इस वक्त मुझसे एटलीस्ट 2 गुना ज़्यादा ताकतवर है, अगर हम चारों मिलकर भी इस पर अटैक करेंगे तो हमारा अटैक बेकार हो जाएगा, हम इसे इस वक्त नहीं हरा सकते हैं, और अगर ये उतना ताकतवर है जितना ये खुद को बता रहा है तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम कितने लोग मिलकर इस पर अटैक करेंगे, वो सभी अटैक बेकार हैं। पिकलो बोलता है तो क्या तुम्हारे पास इससे लड़ने का कोई सजेशन है? साइड में खड़े रहकर इंतज़ार करते रहना ये मुझे सूट नहीं करता है। वेजिटा बोलता है कि हमारे पास इसे जीतने का एक चांस है, पर उसके लिए मुझे थोड़ा समय चाहिए होगा, तुम तीनों को मिलकर इसे रोकना होगा, क्या तुम लोग ऐसा कर पाओगे? पिकलो बोलता है कि वैसे भी ये फाइट हमारी नहीं होने वाली थी, तो तुम्हारे दिमाग में सब क्या है मुझे बताओ। वेजिटा बोलता है कि मैं बहुत समय से एक टेक्निक को डेवलप कर रहा हूँ और शायद उसके ब्लास्ट की ताकत इसे हराने के लिए काफ़ी होगी, मुझे नहीं लगता कि ये अपनी स्पीड के बावजूद भी उस अटैक को डॉज कर पाएगा, पर उसके लिए मुझे एटलीस्ट 1 मिनट चाहिए होगा ताकि मैं अपनी ताकत को कॉन्सनट्रेट कर सकूँ, और उसे 1 मिनट तक तुम तीनों को मिलकर इसे डिस्ट्रैक्ट करना होगा, और उसे 1 मिनट के एंड में तुम्हें इसे आसमान में फेंकना होगा। सिपारी बोलती है कि लगता है हमारे सारे दोस्त मिलकर हमारे खिलाफ एक प्लान बना रहे हैं, और इस बात पर रिगोर हंसता है। ट्रंक्स बोलता है क्या इस अटैक की सक्सेस के लिए उसका आसमान में होना ज़रूरी है? वेजिटा बोलता है हाँ, मैं अभी तक उस लेवल की एनर्जी फोकस नहीं कर पाया हूँ ताकि मैं वो अटैक इस पर कर सकूँ, और अगर मैं वो अटैक धरती की तरफ करूँगा तो वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होगा। पिकलो बोलता है कि मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि तुम्हें पूरा 1 मिनट मिल जाए, पर मुझे नहीं लगता कि 1 मिनट से ज़्यादा हम इसके सामने रुक पाएंगे। तभी पिकलो एकदम से चिल्लाता है कि चलो अटैक शुरू करो। रिगोर बोलता है कि लगता है ये लोग सुसाइड करना चाहते हैं। इतने में ट्रंक्स, पिकलो और गोडेन तीनों मिलकर एकदम से रिगोर पर हमला शुरू कर देते हैं, और इसके बाद वेजिटा भी अपना अटैक चार्ज करना शुरू कर देता है। वेजिटा बोलता है कि इस अटैक को शूट करने के लिए मेरे पास बस एक ही चांस है, मुझे नहीं लगता कि इस तरीके का अटैक मैं दोबारा कर पाऊंगा। इसके बाद वेजिटा अपनी पूरी ताकत को बाहर निकालने लग जाता है और अपनी पूरी एनर्जी को फोकस करता है। वेजिटा अभी तक के अपने सबसे ताकतवर अटैक के लिए चार्ज हो रहा होता है। सिपारी रिगोर की फाइट की तरफ देख रही होती है और तभी उसके स्काउटर में आवाज़ होने लग जाती है। तभी वो मुड़कर देखती है कि वेजिटा अपना अटैक को चार्ज कर रहा होता है। सिपारी बोलती है कि ये वेजिटा क्या कर रहा है, आखिर वो करना क्या चाहता है? उसका बेस पावर लेवल बहुत तेज़ी से घट रहा है, पर वो जो अटैक्स बना रहा है उन दोनों की ताकत S+ लेवल पर है और वो भी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। और इसके बाद हम देखते हैं कि वेजिटा पूरी तरीके से अपने अटैक पे कॉन्सनट्रेट कर रहा होता है। दोस्तों, फिलहाल आज का ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। मैं आपके लिए इसका नेक्स्ट पार्ट बहुत ही जल्दी लेकर आऊँगा, और उस पार्ट में हम देखेंगे कि वेजिटा का अटैक सक्सेसफुल होता है या नहीं, या फिर गोटेन, ट्रंक्स और पिकलो इन तीनों की जान खतरे में पड़ती है या नहीं।
अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम 50,000 सब्सक्राइबर्स के बहुत ज़्यादा नज़दीक हैं और मैं जल्द से जल्द इस टारगेट को अचीव करना चाहता हूँ। जो लोग चैनल के ऑलरेडी सब्सक्राइबर्स हैं उन सभी का बहुत बहुत थैंक्स, और जो भी सब्सक्राइब करने वाले हैं उनका मैं ड्रैगन बॉल फैन मांगा कम्युनिटी में वेलकम करता हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।